गाइस, तो अगर आपने कोई पेन ड्राइव या कोई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस खरीदा है और अगर आप कंफर्म करना चाह रहे हैं, आप डाउट में हैं कि उसकी जो कैपेसिटी शो कर रहा है उतनी है या नहीं, तो आज का वीडियो देखते रहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल दो तरीके जिनसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि जो डिवाइस की जो कैपेसिटी शो कर रहा है वो उतनी है या नहीं। ठीक है, पहले तो सजेशन मेरी है कि ऑथराइज डीलर से ही खरीदिए या शॉप से ही खरीदिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं कहीं पर भी कि मतलब सड़क वड़क पे मिल रहा और आपने ले लिया, क्योंकि वहां पर ऐसे चांसेस होते हैं कि जो शो कर रहा होता है वो उतना होता नहीं है। तो गैस, जो भी आप एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस खरीद रहे हैं, पहले से 2 या 3 बार उसका फॉर्मेट मार दीजिए। ठीक है, तो ये पहला मेथड है, इससे आपको उसकी एग्जैक्ट स्टोरेज पता लग सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको और भी श्योर होना है तो जो दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ वो 100% श्योर है कि आपको 100% श्योर कर देगा कि उस स्टोर कैपेसिटी, मतलब जो भी डिवाइस आप एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आप खरीद रहे हैं उसकी जो कैपेसिटी शो कर रहा है वो उतनी ही है। ठीक है, तो दूसरा तरीका यह है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 4 GB की, आपने 4 GB की पेन ड्राइव आप खरीद रहे हैं, ठीक है, तो बहुत आसानी से आप उसमें 2 या 3 GB का डेटा फिल करके देख लीजिए या 4 GB का डेटा फिल करके देख लीजिए। ठीक है, आपको फिल करने का पूरा वेट भी नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही आप उसमें कॉपी पेस्ट करेंगे तो तुरंत ही एक एरर आ जाएगी अगर उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं होगी जितनी उस पर शो कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए और हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, 16 GB की ले लेते हैं, अगर 16 GB की कोई पेन ड्राइव है और अगर वो 16 GB की नहीं है, मान लीजिए उसकी कैपेसिटी कम है, 4 GB या 8 GB है, ठीक है, तो जैसे ही आप उसमें 15 GB या 16 GB का डेटा आप उसमें कॉपी पेस्ट करेंगे तुरंत एक एरर आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये आपने भी देखा होगा कि जब आपकी पेन ड्राइव फुल हो जाती है और आप ज़्यादा बड़ी मूवी या कोई बड़ा डेटा उसमें कॉपी कर रहे होते हैं तो एक एरर शो कर देता है। ठीक है, तो यही चीज उसमें भी होती है। तो गाइस, ये 2 बहुत ही आसान तरीके हैं जिससे आप आसानी से कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी का पता लगा सकते हैं कि वो जितनी शो कर रहा उतनी है भी या नहीं। ठीक है, तो पहले तो मेरी सजेशन है कि हमेशा किसी ऑथराइज डीलर या शॉप से ही खरीदें, कहीं इधर उधर से ना खरीदें, क्योंकि सामान्य सी बात है, अगर कोई चीज 100 रुपए की है और वो 10 रुपए में मिल रही है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा ही तो कोई सस्ता दे नहीं देगा, कोई फ्री की सेल वेल तो चल नहीं रही है। ठीक है, तो गाइस, आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।